गाइज वेलकम बैक दोस्तों, अगर आप Realme XT नेक्स्ट सेल में ख़रीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखिए, आप लोगों का डिसीजन ज़रूर चेंज होगा। मैं आज इस Realme XT में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत सीरियस इशू है। जो मेरा पहला इसमें इशू था वो था हीटिंग इशू। जब मैं इस कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ करता था, 2-3 मिनट का वीडियो भी शूट करता तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता था, ठीक है। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट पे लिया, तो फ्लिपकार्ट में मैंने उन लोगों ने रिटर्न के लिए मैंने रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया, तो वो लोग पहले फ़ोन करके मैंने मतलब रिप्लेसमेंट तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बोला जे इसे रिबूट कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए। तो मैंने रिबूट किया, ठीक है। रिबूट करने के बाद क्या हुआ, अभी मेरा फेस अनलॉक अब फिंगरप्रिंट काम ही नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रूफ है इसमें, मतलब ये अभी मोबाइल है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, इसी में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर, अभी इसका तो हीटिंग इशू तो है ही, मतलब तीन बहुत ही सीरियस इशू है, काम ही नहीं कर रहा है एकदम। अभी पता नहीं इसका क्या होगा, रिप्लेसमेंट तो नहीं मिलेगा मुझे, अगर सर्विस सेंटर में जाके मुझे पता चलेगा। मैं कल सर्विस सेंटर में जाऊंगा, अगर देखते क्या होता है। लेकिन एक्चुअली मैंने रियलमी कम्युनिटी में पोस्ट किया तो देखा बहुत सारे लोग कैमरा को लेकर बहुत ही कंप्लेन कर रहे थे, सेम ही प्रॉब्लम लॉक एंड अनलॉक स्क्रीन को लेकर भी कर रहे हैं। आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे पोस्ट भी किए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, तो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ प्रूफ कैसे, मतलब इसका कोई मतलब एनरोल ही नहीं हो रहा है मेरा। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, अभी फेस फोक, यहाँ पे देखिए फेस फिंगरप्रिंट, ठीक है। मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। फेस अनलॉक पर जाता हूँ मैं, ठीक है, दिखाएगा अभी एनरोल दे रहा हूँ, ठीक है एनरोल, देखिए कंटिन्यू, सॉरी अनेबल टू एनरोल, प्लीज ट्राई लेटर। यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये प्रॉब्लम है, आप लोग शायद बोलेंगे कोई रिबूट कीजिए या फिर रिस्टार्ट कीजिए। मैंने इसे रिबूट किया 3-4 बार, फैक्ट्री रिसेट भी करवा दिया, ठीक है। मेरा जो डेटा था सब मैंने मतलब खो दिया, मतलब हर बारी में सब खो दिया, रीसेट किया, रीसेट सेटिंग्स किया, रिबूट किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी इसका कोई मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा है। बस यही है, मतलब 16,000 का काम है, अभी 2 दिन में ही ख़राब हो गया। आप समझ सकते हैं क्या हालत है। ऑब्वियसली आपको नया फ़ोन अगर ख़राब हो जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को Realme XT के बारे में अभी मत खरीदिए, क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत सारे लोगों को देखा है अभी सेम प्रॉब्लम ही कंप्लेन कर रहे हैं वो लोग। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा अभी मत खरीदिए, थोड़े दिन वेट कीजिए, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो इससे बेटर है थोड़ा वेट कीजिए, नोट 8 प्रो आ रहा है या फिर रियलमी XT के, अगर बाद में वो लोग नया जो स्लॉट अगर आएगा तो उसमें शायद आप लोगों को अगर प्रीव्यू अच्छा लगा तभी खरीदिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, मिलते हैं।